हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के स्टूडियो लेक्चर में हम लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स लीनियर का पूरा नाम होता है लीनियर एक्सीलेटर। स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन में कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ एनर्जी को गेन करता है, लेकिन स्टूडेंट्स लीनियर में पार्टिकल एक लीनियर मोशन करता हुआ यानी एक ही दिशा में मोशन करता हुआ एनर्जी को गेन करता है। राइट स्टूडेंट्स, यानी कि क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो साइक्लोट्रॉन है उसमें तो जो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ एनर्जी गेन करेगा, जबकि स्टूडेंट्स लीनियर में पार्टिकल लीनियरली मोशन करते हुए एनर्जी को गेन करेगा। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से होती है, अब स्टूडेंट्स बेसिकली होलो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब से मिलकर बना होता है। क्या होता है इसमें, होलो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब से मिलकर बना होता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जो होलो ट्यूब्स होती हैं, इनको एक ही एक्सेस पर रखा जाता है स्टूडेंट्स, राइट। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो ट्यूब्स होती हैं वो एक दूसरे के समक्ष होती हैं, यानी कि वो एक्सिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, आगे वाली ट्यूब को भी इसी एक्सेस पर रख दिया, राइट। इस एक्सिस पर स्टूडेंट्स आगे वाली ट्यूब रखी जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसके आगे आने वाली जो ट्यूब होगी स्टूडेंट्स वो भी इसी एक्सिस पर रखी जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसके आगे आने वाली ट्यूब स्टूडेंट्स इसी एक्सिस पर होगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जितनी भी ट्यूब्स हैं सारी एक ही एक्सिस पर रखी हुई है स्टूडेंट्स, इसलिए ये हमारा एक कोएक्सियल सिस्टम है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो ट्यूब्स हैं राइट, इन ट्यूब्स को स्टूडेंट्स हम एक एसी सोर्स के द्वारा जोड़ देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो एसी सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई रखी जाती है, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो रीजन में आती है। तो स्टूडेंट्स इसलिए इस एसी सोर्स को हम आरएफ सोर्स भी कहते हैं, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस एसी सोर्स के स्टूडेंट्स दो टर्मिनल होते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे कि अल्टरनेटिवली जो ट्यूब्स हैं उनको हम इसके टर्मिनल से जोड़ लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, कैसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1, 3, 5 राइट, ये जो तीन क्रम की जो ट्यूबे हैं स्टूडेंट्स राइट, ये फर्स्ट ये थर्ड और स्टूडेंट्स के आगे वाली फाइव, उसको हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स जो हमारा एसी सोर्स है उसके एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। राइट, 1 उसका नाम स्टूडेंट्स 3 और फिर स्टूडेंट्स क्या है 5। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो हमारी 2, 4, 6 राइट, ये जो 2, 4, 2, 4, 6 यानी स्टूडेंट्स ये सेकेंड ये फोर्थ और स्टूडेंट्स इसके आगे हमारे सिक्स, उनको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स एसी सोर्स के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, यानी कि दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब पार्टिकल एक्सीलेट होता है तो वो एयर के मॉलिक्यूल से टकरा सकता है और स्टूडेंट्स इसके कारण और ज्यादा मात्रा में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल एक्सीलेट हो रहा है स्टूडेंट्स उसके पाथ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स उस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक चैम्बर में रख देते हैं। राइट स्टूडेंट्स,
और उस चैम्बर में फ्रेंड्स वैक्यूम पंप की हेल्प से वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, राइट। वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो उसके अंदर हवा जो भरी रहती है उसको हम वैक्यूम पंप की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर हम आयन सोर्स रख देते हैं। अब फ्रेंड्स आयन सोर्स के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि ये जो आयन सोर्स होता है राइट, उसमें फ्रेंड्स एक फिलामेंट होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, राइट फ्रेंड्स। फिलामेंट के द्वारा फ्रेंड्स कैथोड गर्म हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए ये जो उसके अंदर गैस भरी रहती है राइट, यानी कि जिस गैस के आपको आयन चाहिए राइट, उस गैस को हम उस चैम्बर में भर लेंगे राइट फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे कैथोड से निकले थे फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रॉन जो उसमें गैस भरी हुई है उसके मॉलिक्यूल से टकराएंगे और टकराने के बाद फ्रेंड्स उसको आयनाइज कर देंगे और फ्रेंड्स उसके बाद में हम एनोड पर लगे पोटेंशियल की सहायता से स्टूडेंट्स जो हमारे पॉजिटिव आयन्स क्रिएट हुए हैं स्टूडेंट्स उसको हम बाहर निकाल लेंगे राइट फ्रेंड्स। और इस स्टूडेंट्स से सारी प्रक्रिया है उसको मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जिसमें मैं साइक्लोन के बारे में स्टडी किया था स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरीके से जनरली ये जो आयन सोर्स हैं बनाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स इस आयन सोर्स के इस रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स के स्टूडेंट्स दोनों टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होती है स्टूडेंट्स वो अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है राइट। एंड देखो स्टूडेंट्स जब ये प्लस होगा तो स्टूडेंट्स ये माइनस होगा राइट, उसके बाद में स्टूडेंट्स जब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा राइट फ्रेंड्स। यानी कि स्टूडेंट्स इसके इस टर्मिनल पर यदि अपने ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट वोल्टेज देखें तो स्टूडेंट्स को इस प्रकार से विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी होती है इस पे राइट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस टर्मिनल पे फ्रेंड्स जो वोल्टेज रहेगी वो जस्ट इसके अपोजिट रहेगी, यानी कि इस वोल्टेज के 180 डिग्री फेज में होगी इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स जो तुम्हारा दूसरा टर्मिनल है फ्रेंड्स उस पर वोल्टेज जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं फ्रेंड्स इस तरीके से वेरी होगी राइट फ्रेंड्स। जब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब इस टर्मिनल पे मान लो पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ती है तो स्टूडेंट्स इस टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ती है राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स जब इस टर्मिनल पे वोल्टेज नेगेटिव की तरफ बढ़ती है तो स्टूडेंट्स इस टर्मिनल पे वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इन दोनों की वोल्टेज एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज होता है। अब फ्रेंड्स ये हमने जनरली फ्रेंड्स का कंस्ट्रक्शन जाना, अब फ्रेंड्स इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वर्किंग इस प्रकार से है, इसी में बना सकते हैं फ्रेंड्स, इसको ओमिट करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मान लेते हैं फ्रेंड्स इस आयन सोर्स के द्वारा एक आयन क्रिएट हुआ, पॉजिटिव आयन क्रिएट हुआ राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो पॉजिटिव आयन है, अब फ्रेंड्स ये मान लेंगे अपने कि ये जो हमारा आयन सोर्स है इस फर्स्ट ट्यूब के जस्ट पास में रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स जो पॉजिटिव आयन है फ्रेंड्स वो बिना एक्सलेट हुए वो इस ट्यूब को पार करेगा और फ्रेंड्स वो यहां तक पहुंच जाएगा। अपने इनिशियली मान लिया स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा आयन सोर्स है इसके बहुत नजदीक रखा हुआ है, इसके कारण स्टूडेंट्स जो हमारा आयन है स्टूडेंट्स वो बिना एक्सलेट हुए इस पूरी ट्यूब में ट्रेवल करता हुआ यहां तक पहुंचा राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगा उस केस में स्टूडेंट्स इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से सेट की जाएगी कि जैसे ही ये आयन बाहर निकले ये पीछे वाली जो ट्यूब है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव हो जाए और आगे वाले स्टूडेंट्स है वो जस्ट नेगेटिव हो जाए। अब फ्रेंड्स सेम इसी तरीके का जो वोल्टेज का पैटर्न था स्टूडेंट्स हमने साइक्लोट्रॉन में भी देखा था राइट, सेम वही का वही है स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट यही हो रहा था कि जो जब पॉजिटिव पार्टिकल एक डी से बाहर निकलता है तो पीछे वाले डी पॉजिटिव होती है तो आगे वाले डी नेगेटिव होती है।
ठीक वैसा ही स्टूडेंट्स इसमें भी। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जैसे ही पार्टिकल इससे बाहर निकलता है तो ये हमारे जो ट्यूब है स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पर आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। और स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव होगी राइट, ये भी पॉजिटिव होगी राइट, स्टूडेंट्स ये भी मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो वोल्टेज होते हैं दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारी स्टूडेंट्स 135 ट्यूब्स राइट, और ये स्टूडेंट हमारी 246। अब स्टूडेंट्स जब ये 135 को स्टूडेंट्स ये वाली और ये वाली जब पॉजिटिव होंगी स्टूडेंट्स यानी मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज पर होगी, तभी स्टूडेंट्स ये जो हमारा ये जो 246 ये ट्यूब्स होंगे स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम नेगेटिव पर होंगी। एट फ्रेंड्स क्यों होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो तीनों ट्यूब्स हैं 135 ये एसी सोर्स के एक टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो स्टूडेंट्स 246 जो हमारे ट्यूब्स हैं वो एसी सोर्स के दूसरे सिरे से जुड़ी हुई है और दोनों की वोल्टेज अपोजिट रहते एक दूसरे के, तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्या होगी मैक्सिमम नेगेटिव होगी 246 की, यानी ये नेगेटिव यानी कि स्टूडेंट्स ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी और आगे वाले जो 6 नंबर ट्यूब्स है स्टूडेंट्स वो भी नेगेटिव होगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये हमारा मैक्सिमम नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स इस वोल्टेज के कारण इन दोनों ट्यूब्स के बीच के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस्टेब्लिश हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस आयन पर एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स के कारण स्टूडेंट्स इस आयन को एक एक्सेलरेशन फील होगा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इस एक्सेलरेशन के कारण इस आयन की स्पीड बढ़ जाएगी राइट। इस एक्सेलरेशन के कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये बढ़ी हुई स्पीड से बड़ी भी स्पीड से स्टूडेंट क्या करेगा ये दूसरे ट्यूब तक पहुंचेगा राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स उसके बाद में जब दूसरी ट्यूब के अंदर पहुंचेगा उसके अंदर एंटर कर जाएगा और फ्रेंड्स एंटर करने के बाद में ये जो हमारा पॉजिटिव आयन हुआ स्टूडेंट्स ये इस ट्यूब के अंदर मूव करेगा और मूव करता हुआ स्टूडेंट्स ये यहां से बाहर निकलेगा। अब फ्रेंड्स जैसे ही ये आयन इसके अंदर एंटर होके और इसके अंदर स्टूडेंट्स मूव होके बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तब स्टूडेंट्स ये जो हमारी ट्यूब होगी ये पॉजिटिव वोल्टेज पर हो जाएगी मैक्सिमम पॉजिटिव पर राइट। तो स्टूडेंट्स दो नंबर की जो वोल्टेज है यानी कि 246 की ये वाली ये क्या होगी स्टूडेंट्स जब ये पार्टिकल यहां से मूव करता हुआ और यहां तक पहुंचेगा तब स्टूडेंट्स क्या हुआ ये पॉजिटिव वोल्टेज तक पहुंच जाएगी राइट। सब स्टूडेंट्स जब ये ट्यूब हमारी पॉजिटिव वोल्टेज पर पहुंचेगी तब स्टूडेंट्स जो हमारी 135 ट्यूब्स हैं उनकी वोल्टेज स्टूडेंट्स लगातार कम होती हुई और मैक्सिमम नेगेटिव तक पहुंच जाएगी स्टूडेंट्स। अब फ्रेंड्स क्या हुआ कि जैसे दूसरे गैप को पार कर रहा है राइट, ये तो था फ्रेंड्स पहले गैप में, अभी ये फ्रेंड्स दूसरे गैप में। अब फ्रेंड्स जैसे ही दूसरे गैप को पार कर रहा है तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे जो दो नंबर की ट्यूब है स्टूडेंट्स वो हो चुकी है पॉजिटिव राइट, और फ्रेंड्स जब ये पॉजिटिव होगी तो यानी कि 246 ये सब हो जाएंगे पॉजिटिव, 2 उसके बाद में स्टूडेंट्स 4 और स्टूडेंट्स इसके बाद आगे वाली 6 वो तो हो जाएगी स्टूडेंट्स पॉजिटिव, लेकिन स्टूडेंट्स 135 होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी नेगेटिव
नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज है और इसके सामने वाली जो ट्यूब है स्टूडेंट्स उस पर मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों ट्यूब्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस्टेब्लिश हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा और इस फोर्स के कारण इस पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेशन मिलेगा और इस एक्सेलरेशन के कारण स्टूडेंट्स इस आयन की स्पीड पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाएगी, राइट। इतने वजह से यहां पर V1 की स्पीड हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये मान लेते हैं कि यहां पर इसकी स्पीड V1 हो चुकी है और फ्रेंड्स जब इस गैप को पार किया है तो तब उसकी स्पीड कितनी होगी फ्रेंड्स, V2 होगी। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि ये पार्टिकल उसके बाद में तुरंत ही इस आगे वाली ट्यूब के अंदर पहुंच जाएगा और उसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, इस ट्यूब को पार करके जैसे ही ये इस ट्यूब से बाहर निकलेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जैसे ही ट्यूब से बाहर निकलेगा तो ये जो 1, 2, 3 यानी स्टूडेंट्स जो 3 नंबर की जो ट्यूब है उसकी वोल्टेज स्टूडेंट्स बढ़ती हुई और उसके बाद में पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। जैसे ये यहां से यहां तक इसको पार करेगा स्टूडेंट्स ये जो वोल्टेज होगी कौन सी वोल्टेज स्टूडेंट्स, इस जो 3 नंबर की ट्यूब है स्टूडेंट्स इसकी जो वोल्टेज होगी जब वो पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो बढ़कर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो 2, 4, 6 ये कौन से स्टूडेंट्स, ये जो 4 नंबर की स्टूडेंट जो ट्यूब है उसकी वोल्टेज स्टूडेंट्स कम होती हुई 0 क्रॉस करेगी उसके बाद स्टूडेंट्स मैक्सिमम नेगेटिव तक पहुंच जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या होगा कि ये हमारा अब मैक्सिमम पॉजिटिव पर होगा, राइट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब जो हमारी 1, 3, 5 ट्यूब्स हैं वो पॉजिटिव पर हो गए, ये 1 ये पॉजिटिव पर हो गए फ्रेंड्स, 1, 3 और 5 ये हमारी पॉजिटिव पर हो जाएंगी और फ्रेंड्स जो 2, 4, 6 की जो ट्यूब्स हैं वो हमारी मैक्सिमम नेगेटिव पर हो जाएंगी, यानी ये नेगेटिव हो गई, राइट, और ये भी नेगेटिव हो गई, राइट, और 6 नंबर की ट्यूब वो भी नेगेटिव हो गई। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है फ्रेंड्स वो मैक्सिमम है, राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम पॉजिटिव पर है और ये मैक्सिमम नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच की वोल्टेज फ्रेंड्स क्या है, मैक्सिमम है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि इस वोल्टेज के कारण, राइट, इन दोनों के बीच की वोल्टेज के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स, और इसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, राइट फ्रेंड्स, और इस फोर्स के कारण फ्रेंड्स पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिलेगा और फ्रेंड्स इस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा फ्रेंड्स, पार्टिकल की स्पीड पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, राइट। अब फ्रेंड्स यहां पर V2 थी तो यहां पर बढ़ के कितनी हो जाएगी, V3 हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल है बढ़ी हुई स्पीड से इस आगे वाली ट्यूब में एंटर करेगा और फ्रेंड्स जब तक ये पार्टिकल यहां से यहां तक इस लेंथ को पार करते हुए यहां पर पहुंचेगा तब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हमारी पीछे यानी ये जो ट्यूब थी फ्रेंड्स जो अभी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जैसे ये जो पार्टिकल है इस 4 नंबर की ट्यूब को पार करते हुए बाहर पहुंचेगा तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो हमारी वोल्टेज है, राइट, वो बढ़कर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पॉजिटिव, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्यूब है इसकी वोल्टेज जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव, राइट, यानी कि 2, 4, 6 से क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2, 4 आगे होने 6 और स्टूडेंट्स तभी ये जो हमारी 1, 3, 5 वोल्टेज 1, 3, 5 ट्यूब्स की जो स्टूडेंट्स वोल्टेज है वो कम होते क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हो गए हमारे मैक्सिमम नेगेटिव, यानी जब चौथे गैप को पार करेगा तब ये कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स जब ये यहां पर पहुंचेगा, राइट स्टूडेंट्स, तो ये पीछे वाली मैक्सिमम पॉजिटिव होगी, आगे वाली मैक्सिमम नेगेटिव पर होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इस कारण से क्या होगा स्टूडेंट्स,
टू फोर सिक्स ही क्या होगा सर, नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव राइट, और आगे होने सिक्स नंबर भी नेगेटिव। तो फ्रेंड्स उसके कारण क्या होगा कि इस पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई से गुजरना पड़ेगा और इसके कारण फ्रेंड्स इस पर फोर्स लगेगा, एक्सेस मिलेगा और इसकी जो स्पीड होगी फ्रेंड्स वो फिर से बढ़ जाएगी। तो इसकी जो स्पीड होगी स्टूडेंट्स वो वी थ्री से बढ़कर मान लेते होंगी वी फोर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जैसे जैसे पार्टिकल्स इन गैप्स को पार करेगा राइट, यानी ट्यूब्स के बीच के गैप को पार करेगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी राइट स्टूडेंट्स। और जब वो पार्टिकल सफिशियंट एनर्जी गेन कर लेगा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस पार्टिकल को आगे आने वाले जो हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स है ना, उस टारगेट पर इंसिडेंट करवाएंगे और इंसिडेंट करवाने के बाद में स्टूडेंट्स जो भी हम इस एक्सीलेटेड पार्टिकल से करवाना चाहते हैं वो करवा लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स यदि हम चाहते हैं कि ये जो एक्सीलेटेड पार्टिकल है ये एक सफिशिएंट एनर्जी को गेन करके और कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करे राइट, यानी कि किसी न्यूक्लियर से टकराए और टकराने के बाद में स्टूडेंट्स जो भी प्रकार की रिएक्शन होगी अगर उसको हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके आगे टारगेट के रूप में वो न्यूक्लियस रख देंगे राइट। और जो एक्साइटेड पार्टिकल होगा स्टूडेंट्स वो जैसे इस न्यूक्लियस से टकराएगा तो कुछ रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट जो भी हमको एनर्जी मिलेगी पार्टिकल्स मिलेंगे उसको हम यहाँ से जान सकते हैं राइट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा लीनियर एक्सीलेटर यानी कि लीनेक काम करता है।